यूजर्स कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं आज क्रिप्टो मार्केट में क्या हलचल है, कौन सी ऐसी अपडेट्स हैं जो क्रिप्टो मार्केट में कुछ उथल पुथल लेके आई है और आने वाले टाइम में ला सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट अपडेट से। इंडिया ने लॉन्च कर दिया है अपना पायलट बैच रियल डिजिटल करेंसी में 1 दिसंबर को। अगर हम बात करें तो होलसेलर सेगमेंट के लिए ऑलरेडी इंडिया अपना पायलट बैच ला चुकी है डिजिटल करेंसी का नवंबर में। 1 दिसंबर को इन्होंने रिटेल डिजिटल करेंसी का पायलट बैच लेके आए। 4 बैंकों का पार्टिसिपेशन है इसके लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, येस बैंक और HDFC बैंक। इन 4 बैंकों के साथ मिलके ये इस पायलट बैच को रन कराएगी, देन इवेल्युएट करेगी कि इसको कितना एक्सेप्टेंस मिल रहा है। बेसिकली इसको बनाने का मकसद ये है कि वो डिपेंडेंसी खत्म करना चाहती है पेपर करेंसी पे। अभी इसे 4 सिटीज में, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में इनिशियल फेज में रन कराया गया है। आगे चल के बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा इस पायलट बैच को ज्वाइन करेंगे। साथ ही इसको और ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला जैसी सिटीज में। फाइनली ये देखा जाएगा कि कस्टमर और मर्चेंट्स का कितना सपोर्ट मिलता है डिजिटल करेंसी का जो RBI ने ये लॉन्च की है। सेंट्रल बैंक्स उम्मीद जता रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है उसको लोअर करने का, जो कैश पे डिपेंडेंसी है उस पे कम हो जाएगी। साथ ही जो इतना सारा खर्चा आता है पेपर करेंसी को बनाने में वो चीप हो जाएगा और जो इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा स्मूदर हो जाएंगे, क्योंकि क्रॉस बाउंड्री जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और जो वोलेटिलिटी है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पे उस पे डिपेंडेंसी कम करना चाह रही है इंडियन गवर्नमेंट। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है पिछले काफी टाइम पे इस पे वर्क कर रहा था। उन्होंने कई सारी ऐसी एक्सचेंजेस हैं और जो फाइनेंशियल एंथुसियास्ट हैं उन सबके साथ मिलकर कमेटी बनाई थी। लास्ट ईयर से इसके लिए तैयारी की जा रही थी कि इसको काफी ज्यादा इवेल्युएट किया गया। अब फाइनली इस बैच को रन कराया गया है। इसके बाद देखा जाएगा कि इसका असर क्या पड़ता है, किस तरह से एक्सेप्टेंस मिलता है इसे, क्या क्या दिक्कतें सामने आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग इसमें अगर जरूरत पड़ी सुधार करने की तो वो भी की जाएगी। अगर बात करें हम टॉप क्रिप्टो फर्म्स कॉइनबेस और पॉलीगॉन और लोकल एक्सचेंजेस जैसे कॉइन DCX की, वो इंडस्ट्री में एक बॉडी है जो एक्सचेंजेस को प्रोवाइड कराती है। ई रूपी जब इस टाइम पे आया है तो ये गवर्नमेंट को अक्रॉस द बॉर्डर जो पेमेंट्स है उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज ट्रांजेक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, टाइम टेकिंग होता है। बाकी आगे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे और इंडियन मार्केट पे वो तो देखने लायक बात होगी। उसके लिए हम आपके लिए और अपडेट्स लाते रहेंगे। चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पे। हमारी नेक्स्ट न्यूज है टॉप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर पोर्शे की तरफ से, जिसने हाल ही में अपना डिजिटल NFT कलेक्शन लेके आया है 911 मियामी में। पोर्शे जो एक लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल ब्रांड है उसने NFT को मार्केट ज्वाइन किया है और उसने डिस्प्ले किया है एक डिजिटल फोटोग्राफ गैलरी को जिसे नाम दिया गया है 911 और जिसे मियामी फ्लोरिडा में डिस्प्ले किया गया है। इसमें वो अपने यूनिक कनेक्शन को थ्रू NFT शोकेस करेंगे। ये तरह से एक तरह से उनकी तरफ से एक इनिशिएट है डिजिटलाइजेशन प्लान को लेके जो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ ही एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जिसमें Web3 टीम जो है उसको फ्रीडम दिया गया है कि वो ब्रेक थ्रू इस एरिया में अच्छे से परफॉर्म करे। पोर्शे के जो इनोवेशन मैनेजमेंट है वो पॉसिबिलिटी जताते हैं कि आने वाले टाइम में जिस तरह से पूरा वर्ल्ड डिजिटलाइज हो रहा है, चीजें लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं मेटावर्स पे, NFTs कलेक्शन आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं, जिससे कि उनका कंज्यूमर लेवल जो है वो भी बढ़ेगा और एक नई चीज इनिशिएट होगी। मोस्ट ऑफ द जो बिग जाइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने कलेक्शंस लेके आ रहे हैं NFT के या फिर मेटावर्स में अब खुद को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इससे क्या होगा, उनका कस्टमर बेस तो बड़ा बनेगा ही, वो साथ में अपडेटेड रहेंगे, एक अपडेटेड ग्रुप कम्युनिटी उन्हें मिलेगी जिसमें वो अपना बिजनेस और ज्यादा अच्छे से रन करा सकते हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट पे। ApeCoin जो कि जब लॉन्च हुआ था तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन अभी जो ApeCoin का प्राइस है वो काफी ज्यादा डाउन है और ग्रेजुअली इसके जो रिजर्व हैं वो ट्रेजरी द्वारा सेल किए जा रहे हैं, जो अपने आप में कोई अच्छी बात तो नहीं है, बट
जैसे मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, बेयरिश ट्रेंड दिखा रहा है, उसमें कई ऐसी तरह के अपडेट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक कॉइन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उसने अपनी वैल्यू को इतनी ड्रास्टिकली ग्लो डाउन किया है कि लोग देखते ही रह गए। साथ ही नोटिस करने वाली बात यह है कि जो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो है वो 60% तक डाउन हुए नवंबर में, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। क्योंकि जब एप कॉइन लॉन्च हुआ था उसके बाद जो एक पीक लेवल इसका आया था वो देखने लायक था, ऑल टाइम हाई इसका बहुत अच्छा था। लेकिन अभी के टाइम में जो इसके इन्वेस्टर्स और जो जिन्होंने एक्युमुलेट किया था एप कॉइन को, वो भी कहीं ना कहीं से सेल आउट कर रहे हैं। तो एप कॉइन ट्रेजरी भी अपने वॉलेट में जो उन्होंने 19.7 मिलियन डॉलर का एप कॉइन रखा था उसे सेल करने जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है। इससे कहीं ना कहीं एप कॉइन का जो मार्केट है उसका जो प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी बेयरिश मार्केट चल रहा है, हो सकता है जब बुल मार्केट आए तो एप कॉइन का प्राइस और बढ़ जाए। लेकिन अभी इस तरीके से ट्रेजरी द्वारा इतना बड़ा ट्रांजेक्शन करना, इतने बड़े लेवल पे से जो कॉइन्स हैं होल्डिंग्स हैं उसे सेल करना, उसके प्राइस को कहीं ना कहीं अप डाउन कर सकता है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि हमें पता है G20 की अध्यक्षता कर रहा है इंडिया, इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो क्रिप्टो रेगुलेशन जो है उसको लीड कर सकता है। जैसे कि G20 का मेन एजेंडा ही ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन है, जितनी भी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है कहीं ना कहीं उनका मेन एजेंडा ग्लोबल लेवल पे जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उस पर किस तरह से रेगुलेशन लगाया जाए, किस तरह से उसको यूटिलाइज किया जाए, इस मेन मुद्दे पे डिस्कस होने वाला है। और क्योंकि G20 प्रेसिडेंसी इंडिया होस्ट कर रहा है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल लेवल पे अपनी एक मौजूदगी दर्ज कराना। अगर इंडिया इनिशिएट लेता है तो अदर कंट्रीज भी सपोर्ट करेंगे, बट ये ओवरऑल सबका मिला जुला कह सकते हैं एक अप्रोच होगा जिसमें कि इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है एक रिमार्केबल रहेगा, बिकॉज अभी जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के हाथ में है। साथ ही इस पे क्रिप्टो टैक्स, TDS, ऑफसेट लॉसेस इश्यूज जो आते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, बैंकिंग सिस्टम को किस तरह से डिस्करेज करता है क्रिप्टो करेंसी, इन सब मुद्दों पे डिटेल में बात की जाएगी। और सारी कंट्रीज मिलके जो भी G20 में परफॉर्म कर रही है इकट्ठे आके इस चीज पे डिस्कस करेगी एंड उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं। अभी इसके बारे में कोई भी फ्रेमवर्क बनाया नहीं गया, बट आगे चल के कोई फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है और फिर उसे इवेल्युएट किया जाएगा कि ये कितना यूजफुल साबित हो सकता है मार्केट के लिए, इंडिविजुअल कंट्री के लिए और उनके फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। इससे कहीं ना कहीं कुछ जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो और स्कैमिंग जैसी चीजें होती हैं उन एक्टिविटीज पे भी लगाम लगाने के लिए इसमें चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। ब्राजील ने हाल ही में लीगलाइज कर दिया है क्रिप्टो को एज अ पेमेंट मेथड। ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि एक बड़ी कंट्री ने अप्रूवल दे दिया है एज अ क्रिप्टो, उसको लीगलाइज कर दिया है, उन्होंने अपने लॉ में अप्रूव किया है इसे। और इससे रिक्वायर्ड है कि जो लीगल टेंडर जिस तरह से एल सल्वाडोर ने पिछले लास्ट ईयर बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर माना है, उससे क्रिप्टो करेंसी मार्केट को एक अच्छा पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ोतरी मिली है। चेंबर ऑफ डिप्यूटीज और ब्राजील की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लाया है जिसमें कि जो यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी उसे एज अ पेमेंट मेथड वो लीगलाइज कर रहे हैं कंट्री में। इट मीन जो ब्राजील के लोग हैं वो क्रिप्टो करेंसी के द्वारा किसी भी बाइंग सेलिंग में एज अ पेमेंट मेथड क्रिप्टो करेंसी को यूज कर सकते हैं। इसे कहीं ना कहीं बेहतरीन मिलेगी उन यूजर्स को जो क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत ज्यादा इंथुजियास्ट हैं, पेपर करेंसी पे डिपेंडेंसी उनके कंट्री में कम हो जाएगी। इससे कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द चीजों में उन्हें बढ़ोतरी मिलेगी और जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें भी कहीं ना कहीं चीजें अच्छी हो जाएंगी। ये एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो गुड सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाएगा। और मीनवाइल भले ही FTX का कोलैप्स हो गया बट क्रिप्टो करेंसी मार्केट अभी भी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है कि क्रिप्टो करेंसी क्या क्या वैल्यू है और किस तरह से उसे यूटिलाइज करके अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशन को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे आने वाली खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच।